और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिशी की मान्य मशहूर नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण से देश ने सम्मानित किया है। जिंदगी में ढेरों उपलब्धियां हासिल करने वाली 76 साल यामिनी कृष्णमूर्ति ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजिता जैन ने। पद्म सम्मानों का ऐलान हो चुका है। साल 2016 के लिए जिन 10 विभूतियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है, उनमें से एक है मशहूर क्लासिकल डांसर डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यामिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। यस, पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण और अब पद्म विभूषण, किन मायनों में खास है ये अवार्ड आपके लिए? आप काम करते जाएंगे और जनता के लिए आपको, आपके ऊपर प्यार होगा, उनको आपको अप्रिशिएशन करेंगे, तो जरूर आपको अवार्ड मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा आपको अवार्ड्स। आप काम में मशहूर है, डेडिकेटेड है, तो आपको जरूर अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। आप शुरुआती डांसर्स की जो एक लाइन है उसमें से एक है, 5 दशक बाद भी आपको लीडिंग डांसर्स की जो फेहरिस्त है उसमें शुमार किया जाता है, तो 5 दशक तक कैसे आपने ये करिश्मा बरकरार रखा है? हम नहीं, मतलब भगवान की इच्छा होगा तब होते हैं। हम थोड़ा कर सकते हैं। टैलेंट एंड डेडिकेशन एंड ब्लेसिंग्स ऑफ योर गुरुज और द डिविनिटी, वो सब मिलके आपको देते हैं आशीर्वाद। वो आशीर्वाद से होता है। बिल्कुल। और तीन तीन विधाओं में आप पारंगत हैं, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, तो ये तीन विधाएं आपने कैसे चुनी और क्यों चुनी? हम नहीं चुनी, हमारे गुरु आके हमको बताया आप करिए, वो अपने आप आके बोला आप ओडिसी करिए। आप कुचिपुड़ी तो कुछ को किसी को मालूम नहीं था, वो बोलते थे वो फोक डांस है, उसको हमने क्लासिकल बनाया। सो मेरा काम के लिए आई वॉज बॉर्न फॉर सम पर्पस, इसके वजह से हुआ होगा। इसका आंसर्स नहीं है, ये चीज़ों का आंसर्स नहीं बता सकते कुछ। आपने डांस को रेवोल्यूशनाइज भी किया, किस तरह से रेवोल्यूशनाइज किया, कैसे आपने डांस फॉर्म को बदला है? मैं इसके बाद सोच रही थी और हमारे माइंड में ऑलवेज हमको डांस के बारे में सोचती थी और एनर्जी बहुत था, एनर्जी भी चाहिए। सो एनर्जी से भी हमने नई नई चीज़ें बनाया। मैंने वैदिक बैले बनाया, हमारे फादर का जो कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा था, उनको बड़ा पंडित थे वो लोग। सो कहते थे कि आप ये सबसे ओल्ड सिस्टम्स जो है थीम्स, वैदिक थीम्स को भी मैंने बहुत किया है। सो दैट वाज अ रियल रेवलेशन एंड इट वाज समथिंग वी डेवलप्ड इट लॉट। पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेज आपकी कौन कौन सी रही हैं? वैदिक बैले, वो वेदिस से कोई बैले नहीं किया, वो श्लोकों से हमने किया है। और सम ऑफ द रेयर आइटम्स है, वो रिदमिक आइटम्स मैंने बना के किया है। ऐसे तो बहुत बनाया है मैंने, तो नई चीज़ें डांस में और जो संगीत का वर्सेस लेके भी किया है। सो आई डोंट नो, आई मीन वॉट आई वुड से वन थिंग, आई वॉज लव्ड बाई द ऑडियंस, उन्होंने हमने बनाया। वेन यू लव्ड बाई ऑडियंस यू आर वेरी कम्फर्टेबल। बिल्कुल। और भरतनाट्यम में आपकी एक ताल जो है जो आपने स्थापित की उसको बहुत माना जाता है, वो क्या है? वो क्यों ताल जो है वो मैथमेटिक्स है। डिफरेंट ताला में डिफरेंट मात्रा से आता, 8 ताला 8 मात्रा 6 मात्रा, ऐसे बहुत वैरायटी ऑफ तालास है हमको। वो ताला में हम जोड़ते हैं हमारा मूवमेंट्स को, तब वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और मेरा स्पेशलिटी क्या है कि मेरा स्पेशलिटी में स्पीड है, जव स्थिरत्वम रेखा, स्पीड स्टेबिलिटी एंड लाइन, ये तीनों मिला के मैं करती हूँ। बहुत से यादगार क्षण भी होंगे, तो ऐसे मौक़ों पर जब आपकी कला को सम्मान मिलता है तो वो पुरानी पृष्ठभूमि पूरी घूमकर दिमाग में आती होगी। हमको सब लोग बहुत पसंद किया, बहुत प्यार मिला हमको, लंदन में, अमेरिका में, सब जगह मैं जाती हूँ ना, सक्सेसफुली मिला मुझे, सब सक्सेस था। जब मैं कुछ एक लम्हे जो आप ना भूल पाए, कुछ एक लम्हे जो आप कभी ना भूल पाए? कभी नहीं भूल पाए, वो हम एक जंगल में डांस कर रहे थे
जंगल में, जंगल था वो बैम्बू जंगल, वो क्या कहते हैं उसको, मध्य प्रदेश में। तो बहुत लेडीज आए थे उधर, तो वो डांस मैंने सोचा इनको क्या समझ में आएगा, भरतनाट्यम समझ में, इधर थोड़ा मैं डर रही थी क्या करना, मगर जम गया डांस। तो वो लोग सब आके, आप तो क्या, आपका नाम हमने लगाया बिजली, आप बिजली हो, दैट मेड मी वेरी हैप्पी। दे वर जस्ट पीपल फ्रॉम विलेजेस, सो देयर माइंड वाज सो सिंपल। वो कह रहे आपका नाम हमने बिजली रखा है, हम इधर देखते हैं आपको, उधर देखते हैं, आप स्टेज पूरा देख लिया, बहुत पसंद आया। सो दैट्स व्हाट गिव्स एन आर्टिस्ट इंस्पिरेशन। बिल्कुल यानी जी, बहुत मेहनत होती है, बहुत हार्डवर्क होता है, बहुत डेडिकेशन होता है, तब जाके एक कलाकार की कला को पहचान मिलती है, उसको सम्मान मिलता है। बीच में अवार्ड वापसी का चलन चला था, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आपको क्या लगता है, अगर आप किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो वो सम्मान जो आपकी कला को दिया गया, आपको दिया गया, आपके इतने परिश्रम के बाद, क्या उसको लौटा देना सही है? नहीं, मेरे ओपिनियन में ये ठीक नहीं है, लौटने में क्या फ़ायदा है। आर्ग्यूमेंट में आप सक्सेसफुल हो जाइए, मगर ये गुस्से में वो लौटने से क्या, उसमें क्या फल मिलेगा आपको या किसी को क्या मिलेगा। तो ये थी डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन नृत्य को ही समर्पित कर दिया है, और यही वजह है कि आज उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ अजिता जैन, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।